I came down to the dressing room. I think it's fair for me to say he was weeping like a schoolboy. जब मैं ड्रेसिंग रूम में गया तो मैंने क्रिकेट के भगवान को फूट फूट कर रोते देखा, जैसे कोई स्कूल का बच्चा रो रहा हो। मैं सचिन से लगातार कहता रहा, आप क्यों पूरी टीम का ब्लेम अपने ऊपर ले रहे हैं? हम मैच हार गए हैं, लेकिन आपकी पारी ने एक इम्पॉसिबल चेस को पॉसिबल बना दिया था। लेकिन सचिन अभी भी लगातार रोए जा रहे थे और फिर उन्होंने मुझसे कहा, नहीं सर, मैंने ये मैच हरवा दिया। ये शब्द हैं पूर्व बीसीसीआई सिलेक्टर राज सिंह डोंगारपुर के। साल था 1999, पाकिस्तान की टीम भारत दौरे पर थी। 28 जनवरी को चेन्नई में पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम मोहम्मद यूसुफ और मोइन खान की अर्धशतकों के बावजूद मात्र 238 रनों पर सिमट गई। भारत की तरफ से अनिल कुंबले ने शानदार 6 विकेट लिए, लेकिन चेन्नई जैसे पिच पर 238 रन बहुत ही बढ़िया स्कोर माना जाता है। भारत ने पहली पारी में राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली के अर्धशतकों की मदद से 254 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से शकलेन मुश्ताक ने 5 विकेट झटके। भारत को पहली पारी में महज लेकिन काफी महत्वपूर्ण 16 रनों की बढ़त मिली। पाकिस्तान दूसरी पारी में बैटिंग करने उतरा और शुरुआत में ही उसने अपने सबसे इनफॉर्म ओपनर बल्लेबाज साहिद अनवर का विकेट खो दिया, लेकिन यंग साहिद अफरीदी ने शानदार 141 रनों की पारी खेलकर पाकिस्तान को 286 रनों तक पहुंचा दिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के टोटल 286 रनों में अकेले साहिद अफरीदी के 141 रन थे, यानी टोटल टीम के स्कोर का 50% स्कोर अकेले साहिद अफरीदी ने बनाए, वो भी चेन्नई जैसी खतरनाक पिच पर जो स्पिन का मदद करती है और भारत के पास दिग्गज स्पिनरों की कमी नहीं थी। बहरहाल भारत को चौथी पारी में 271 रन बनाने थे जीत के लिए, और चेन्नई जैसी पिच पर चौथी पारी में 271 रन बनाना कितना कठिन है ये हम सब जानते हैं। भारत ने अपनी चौथी पारी की शुरुआत की और महज 50 रनों के स्कोर पर भारत ने अपने 3 विकेट गंवा दिए, जिनमें भारत के दवाल राहुल द्रविड़ और बीवीएस लक्ष्मण का विकेट शामिल था। लेकिन पिच पर खड़े थे भारत के करोड़ों लोगों के आस और क्रिकेट के भगवान होने की झलक दिखा चुके मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। ये वो दौर था जब कहा जाता था सचिन आउट यानी कि इंडिया आउट, और सचिन अलाइव मतलब इंडिया अलाइव, चाहे लक्ष्य जो भी हो। पाकिस्तान के बॉलर ये भली भांति जानते थे कि सचिन क्या कर सकते हैं, इसलिए वो दूसरे बल्लेबाजों को टारगेट करने लगे और उन्हें इस प्लान में काफी हद तक सफलता भी मिली। जल्द ही भारत ने कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन और सौरव गांगुली का विकेट खो दिया। सचिन अब अकेले पड़ने लगे और चेन्नई की पिच जो हमेशा से स्पिन को मदद करती है, ऐसे में शकलेन मुश्ताक अपनी गेंदों से आग उगल रहे थे। उनकी गेंद को खेलना सचिन को छोड़कर भारत के बाकी बल्लेबाजों के लिए काफी मुश्किल साबित हो रहा था। सचिन अपनी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनको जरूरत थी दूसरे छोर से किसी के साथ। तभी बैटिंग करने उतरे विकेट कीपर बल्लेबाज नयन मोंगिया। प्लान के मुताबिक पाकिस्तान के बॉलर आग बनकर मोंगिया पर बरसे, और बॉलर भी कैसे, वासीम अकरम, वकार यूनिस, शकलेन मुश्ताक, जिनका नाम सुनते ही बल्लेबाजों के रूह कांप जाते थे। लेकिन नयन मोंगिया ने डटकर उनका सामना किया और भारत के स्कोर को एक समय पर जो 82-5 था 218 रनों तक पहुंचा दिया। अब ऐसा लगने लगा मानो अब भारत की जीत पक्की ही हो गई हो। तभी वासीम अकरम की गेंद पर मोंगिया कैच आउट हो गए। भारत को थोड़ा झटका लगा, लेकिन भारत की उम्मीद अभी भी बरकरार थी, क्योंकि उनका मास्टर ब्लास्टर अभी भी पिच पर मौजूद था और शानदार शतक जड़ चुका था।
भारत का स्कोर 254 पे 6 था और महज 17 रन और बनाने थे। तभी मास्टर ब्लास्टर से वो गलती हो गई जिसका मलाल उनको आज भी है। सकलीन मुश्ताक की गेंद पर सचिन ने एक लॉफ्टेड शॉट खेला और गेंद हवा में टंग गई। वासीम अकरम ने कैच लपक लिया और सचिन आउट हो गए। सचिन ने कुल 136 रन बनाए जिसमें 18 चौके शामिल थे। पूरे स्टेडियम को जैसे मानो सांप सुन गई हो। पूरा स्टेडियम ऐसे शांत था जैसे कोई शांत तालाब का पानी हो। जब सचिन का विकेट गिरा तब भारत को और 17 रन बनाने थे जबकि 3 विकेट हाथ में थे। लेकिन अपने हीरो को आउट होते देख स्टेडियम इतना निराश हो गया, लग रहा था कि दर्शकों को बाकी 3 बल्लेबाजों से कोई उम्मीद ही नहीं है। और हुआ भी ऐसा ही। अगली 3 विकेट मात्र 4 रन और जोड़ पाई और भारत 12 रन से ये मैच हार गया। इस मैच में बैक पेन होने के बावजूद सचिन ने 273 गेंदों का सामना किया और 136 रन बनाए। सचिन ने अकेले ही लगभग मैच जितवा ही दिया था। लेकिन सकलीन मुश्ताक की गेंद पर एक खराब शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा दिया जिसका मलाल आज भी उनको है। किसी टेस्ट मैच में कितनी बार ऐसा होता है कि हारने वाली टीम के किसी खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच मिले, लेकिन टेस्ट इतिहास में ये पहली बार था जब सचिन को मैन ऑफ द मैच मिला जबकि वो हारने वाली टीम का हिस्सा थे। लेकिन सचिन इस हार का पूरा जिम्मेवार अपने आप को मान रहे थे और लगातार ड्रेसिंग रूम में बैठकर रोए जा रहे थे। यहाँ तक कि मैन ऑफ द मैच का अनाउंसमेंट होने के बाद भी वह अवार्ड लेने नहीं गए, वो ड्रेसिंग रूम से बाहर ही नहीं आ रहे थे। कोच के लगातार रिक्वेस्ट के बावजूद सचिन ने ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलने से मना कर दिया। उनके बिहाफ में उस समय चीफ सेलेक्टर रहे राज सिंह डूंगरपुर ने उनका मैन ऑफ द मैच अवार्ड कलेक्ट किया था। आई थिंक वेरी फ्यू टाइम्स यू गेट अ मैन ऑफ द मैच ऑन द लूजिंग साइड। ही गॉट द मैन ऑफ द मैच ऑन द लूजिंग साइड। फ्रॉम द पोडियम आई सिंगल टू अंशुमन गायकवाड़ द कोच ऑफ द इंडियन टीम एंड टोल्ड हिम वेरी सी आई न्यू ही वाज द मैन। आज भी आप सचिन को इंटरव्यू में इस हार का जिक्र करते हुए सुन सकते हैं। भारत के इस हार के बावजूद चेन्नई के दर्शकों ने खड़े होकर पाकिस्तान के एक खिलाड़ी को तालियों से स्वागत किया था जिसका जिक्र आज भी पाकिस्तान के खिलाड़ी करते हैं कि कितनी फेयर है चेन्नई की ऑडियंस। ऐसी खेल भावना भारत के हर कोने में आपको दिखाई देती है। इसी खेल भावना के कायल हो गए थे उस समय पाकिस्तान के सभी खिलाड़ी और यही कारण है कि उस समय के पाकिस्तान के हर एक खिलाड़ी आज भी भारत के लोगों से उतना ही प्यार करते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और आप क्रिकेट से जुड़ी कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं वो भी कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।